लगाण वर्षार भिजुचे राज्य यारी भितर आगक आसुची आउ एक लघुचाप नौ तारिख बेलू आंडामान एक लो प्रेसर सृष्टि हो जहाँकि उत्तर पश्चिम आड़ मुहाई 24 घंटे डिप्रेसन में परिणत हो पाए प्रभाव में आसंता 11-13 तारिख जाए राज्य में अधिकांश जिले में वर्षा लग रही मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य बारण कर मत्स्यजीवी समुद्र मध्य रही 10 तारिख सुधा फेरी आसवा परामर्श दी तेज आगामी 24 घंटे राज्य अधिकांश स्थान में हालुकारु मध्यम वर्षा होबार संभावना रही गोटे दुईट स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे से ही जिलागुड़िकला बरगढ़ मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर बलांगीर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बालेश्वर भद्रक केन्दुझर केन्द्रापड़ा आसंता का किसी स्थान में वर्षा हो पारे से हीपरि ट्विन सिटी में मेघुआ पाग लग रहा किसी स्थान में वर्षा होबार संभावना रही साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एसोसिएटेड जो है वो अभी साउथ कोस्टल ओडिशा एंड नेवर रोड एरिया में है तो इसका 5.8 किलोमीटर तक एक्सटेंशन है और तो इसका प्रभाव में अभी अगला 24 घंटा में हमारा मिनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा ओडिशा का सभी डिस्ट्रिक्ट में और एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर बरगढ़ बलांगीर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ एबे उत्तर बंगोपसागर उपकूल ओडिशा रे थिबा लो प्रेशर धीरे धीरे दुर्बल होउछि आसंता 8 ओ 9 रे वर्षार परिमाण कम रहिबो 10 तारीख को वर्षार परिमाण बढ़िबो हेले किछि स्थान रे वर्षा हेबो बोली पाणिपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि 7-8 दोनों दिन एक ही तरह रहेगा 9 तारीख रेनफॉल और भी कम रहेगा 10 तारीख कोस्टल एरिया में थोड़ा सा इंक्रीज होगा बट रेनफॉल कम ही रहेगा बट 11 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी फिर इंक्रीज होगा क्योंकि अभी एक फेस लो प्रेशर एरिया 9 तारीख के आसपास अंडमान सी में होगा और ये नॉर्थ वेस्ट वार्ड मूव करके सब्सिक्वेंट 24 आवर्स में डिप्रेशन को अवपात में कंसेंट्रेट होने का चांसेस है तो इसका प्रभाव में हमारा उड़ीसा में 11-13 रेनफॉल एनहांस रेनफॉल एक्टिविटी रहने का चांसेस गत 24 घंटे उपकूलवर्ती आभ्यंतरण ओडिशार अधिकांश स्थान में वर्षा होती जयपुर में सर्वाधिक 41.0 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होती माथिली में 38.0 मिलीमिटर कटक में 34.6 मिलीमिटर वर्षा होती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।